यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज दिन है हमारा सैटरडे और अभी तकरीबन वक्त हो रहा है कोई 8:30-9 बजे का। मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई क्योंकि आज जो है वो मेरी क्लास बहुत अर्ली है। तो फ़िलहाल जो है वो तैयार होते हैं जल्दी से, भागने वाली करते हैं क्योंकि इतनी सुबह ही सुबह उठो ना तो दिमाग तो वैसे ही हैंग हुआ हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है सन्नाटे में दिमाग है बिल्कुल। अभी मेरे साथ वही सीन हो रहा है, अगर मैं गलत लफ्ज़ भी बोल दूँ ना तो उसको इग्नोर कर दिएगा भाई कि कहाँ 12 बजे मैं उठती हूँ क्लास के लिए और कहाँ 8:30-9 है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है भाई, आज पूरा दिन अच्छा गुजरेगा या बुरा गुजरेगा बेसिकली। तो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट तक के ब्लॉग देखना और चैनल को करना अभी से सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंशाल खान के नाम से मेरा अकाउंट है, मुझे लाजमी फॉलो कर लिएगा। हल चलते हैं, तैयार होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, सुबह के टाइम तो यूँ गुजर जाता है, जल्दी से तैयार होते हैं। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, चलें। अभी हमें आए हुए सिर्फ थोड़ी सी देर हुई है और हमारा लंच हो गया, ठीक है। अभी हम लंच कर रहे हैं, उसके बाद 11 बजे होगी हमारी क्लास स्टार्ट। यहाँ पर सब यहाँ पे लंच करने में लगे हुए हैं, तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें। तो मैं कह रही हूँ कुछ खा लेते हैं यार, तस्वीरें तो होते रहेंगी, खाना पीना पहले होना चाहिए। सारी यहाँ पर रौनक शौनक चल रही और मुझे कुछ भी नहीं मिला। मतलब रोल, समोसे, बर्गर सब कुछ था, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं अपने लेस ले आई जो कि हम बायकॉट, ओह शिट, हम तो बायकॉट पे थे। हाँ कहाँ चल रहे, वहाँ चल, मैं कितने मज़े से लेस उठाते हुए ला रही हूँ, हम तो बायकॉट पे थे यार। हमारे लिए ली नहीं है, यही बताओ। नहीं ये सिमरन का, सिमरन मैं नहीं खा रही, मैं बायकॉट पे हूँ भाई, मैं नहीं खा रही, सॉरी। तो भाई 2 बज रहे हैं अभी, तकरीबन टाइम हो गया हमारे ऑफ टाइम का, खाया वाया कुछ भी नहीं है, खाया वाया कुछ भी नहीं है। और अब घर जाते हुए मैं बिरयानी लूँगी और आज का मेरा प्लान भी बड़ा मज़ेदार सा है, घर पे ख़ुद कुकिंग करने का, कुछ स्पेशल बनाने का, लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई है। रेशमाए खाना, दोपहर का खाना जिसमें है बिरयानी, दानी ने फ्राई किया है अंडा और इसके अंदर, ओए शिट, ये मैंने इसी के अंदर डाल दिया, बाबा ये खाएं, इसी के अंदर मैंने प्लेट डाल दी और इसके अंदर थोड़ी सी आलू की खतलियाँ विद पराठा। और भाई तकरीबन वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी, मैंने सोचा था कौन है आज, मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन खैर मैंने तो बिरयानी नहीं बनाई, अम्मी ने पुलाव बनाया, लेकिन कल कुछ बताऊँगी क्या हुआ। ये बच्चे कच्चे आके फेल आए हो, कुछ भी नहीं आया, किस चीज़ में तो तुमने फेल क्यों बोला, तुम भी बहुत चलाक हो गए हो, माशाल्लाह भाई क्या बात है, दिखाओ को भाई, वाह भाई वाह माशाल्लाह, बहुत इधर सामने आओ ना। ये नमाज का है पूरा, बताओ किस चीज़ का, ये नमाज का, सही के मतलब डेली बेसिस पे तुमने नमाज पढ़ी है ना, पूरी 5 वक्त की, फजर, जहर, असर, मगरिब, इशा, पूरी पूरी नमाजें पढ़ी हैं हमजा ने 1 महीने तक ना हमजा, इसीलिए हमजा को ये मिला है, क्या सीधा करने में लगे हुए। और इसके अलावा कुछ मिला है, कोई पैसे वैसे? ओ भाई सही सही माशाल्लाह, इसमें कितने रुपए, खोल के दिखाओ, 100 रुपीज़। हमजा माशाल्लाह माशाल्लाह, इस एज में आप बहुत अच्छी जगह पे काम, मतलब अच्छे उस पर लग गया आप माशाल्लाह से, खेल कूद के अलावा ज़बरदस्त हमजा, बहुत 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 मुबारक हो मुन्ने तुम्हें, तुम बहुत अच्छे हो इन सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे हो तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। बहुत प्यारा है, पहन के तो दिखाओ, ज़बरदस्त माशाल्लाह, इधर ऊपर देखो नीचे ही देख रहे हो, हमारा इस्लामिक भाई नज़रें नहीं मिलाता कैमरे से। बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और कामयाबी दे, आप भी जल्दी से अपना सिपारा मुकम्मल करें, उनका तो ख़त्म हो चुका है, आप भी करें। फिज़ा ज़रा जल्दी से, मुंह में आपके बाल जा रहे हैं, होश ही नहीं है। तो मैं खाने पे थी अपने, ये लोग बीच में आ गए, तो हमारी अब आज तो अम्मी ने खाना बनाया, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी खाना, क्योंकि मैं सोच के सोई थी कि मैंने खाना बनाना है, लेकिन मैं उठी 3-4 घंटे बाद हूँ, मैंने कहा यार अब मैं क्या खाना बनाऊँ, बेचारे सब फिर मेरी वजह से लटक जाएंगे अगर गैस चली गई तो, वरना खिचड़ा बन जाएगा, इसीलिए अम्मी क्या बना रही हैं आप, सरप्राइज सरप्राइज।
ये भी सही है, सरप्राइज खाने में भी सरप्राइज। खैर देख लेते हैं, दाल चावल चलो उठ चुके। मैं तो बिरयानी बनाने वाली थी, फर्स्ट टाइम नहीं, हाँ फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाने वाली थी, लेकिन हम वो कल बना लेंगे, कल या एक दो दिन में इंशाल्लाह। सही है मम्मी, कल या एक दो दिन में, जब तक आप मम्मी के हाथ के खा लेते खाना। मम्मी भी अच्छा खाना बनाती हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड हेयर इज खाना, रात का खाना मम्मी ने कहा दाल चावल बने, और ये तो कुछ और ही है। ये क्या है भाई? सरप्राइज मिला है हमें, ये हमें सरप्राइज मिला है जो कि है पुलाव। रुको ना, देखने तो दोस्त में से इतनी स्टीम निकल रही है, देखने में तो बड़ा मजे का लग रहा है। हाँ देखने में अच्छा लग रहा है। व्हाट? अमेजिंग, अमेजिंग। द नेक्स्ट डे, अस्सलाम वालेकुम जी, वी हैव मूव्ड टू अनदर डे जो कि है संडे हमारा। तो हम संडे में पहुंच चुके हैं, मतलब ये कि कल खाना वाना खा के जो है वो व्लॉग वहीं पर रोक दिया था, आज करते हैं इसको कंटिन्यू क्योंकि आज है संडे। लेट्स सी के संडे वाले दिन क्या होता है। लास्ट संडे जो थी वो बड़ी मज़ेदार सी पार्टी हुई थी, मतलब मज़ेदार से मुराद वो एक मज़ेदार मोमेंट ही होता है जब पूरी फैमिली साथ बैठ के चाय पीती है हर संडे, बहुत अच्छा होता है वो, हमेशा ऐसी है अल्लाह ताला। अब जो है फिलहाल आज देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि आज बाबा घर में नहीं है, तो देखते हैं कि वैसे ही संडे कंटिन्यू होता है या आज कुछ डिफरेंट होता है संडे में। तो फिलहाल जो है उठने के बाद, नमाज वमाज पढ़ने के बाद, अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता देखते हैं नाश्ते में क्या है हमारे। हेयर इस नाश्ता, आलू की कतलियाँ, और ये रोटी मैंने खुद अपने लिए डाली है, और ये पराठे अम्मी ने डाले हैं। यार कुछ टाइम पहले, अपना मुँह बंद करो बेसुरी। तो कुछ टाइम पहले जो है मैंने जो है एक टूल मंगवाया था दराज से ऑनलाइन, अपर लिप्स और आईब्रोज के लिए, जो कि पेनलेस था एक टूल जिसमें सेल वगैरह डलते, मैंने दिखाया भी था, ऊपर रखा हुआ है। तो आज जो है वो मैं दानिया के मुंह पे उसको ट्राई करने वाली हूँ, ठीक है, ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ वो टूल, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली वो, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है नहीं, उसका नाम है उसका नाम है पता नहीं, मैंने नाम भी नहीं देखा। पैन है आईब्रोज के लिए, आईब्रो और अपर लिप्स टूल, पैन रिमूवर जो भी कह लें आप, हेयर रिमूवर, हेयर रिमूवर होता है, हेयर रिमूवल होता है, पता नहीं यार क्या मुसीबत है, जो कुछ भी है यार समझ जाओ भाई। क्योंकि वहाँ बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है, इसको हमने उतार लिया, और ये रहा हमारा, इसका नाम क्या है, ये है फेशियल हेयर रिमूवर। ओके गॉट इट, आज से इसका नाम है फेशियल हेयर रिमूवर। ओबे कितना गंदा हो रहा है। ये बड़ा प्यारा सा है, अच्छा ये मुझे डिस्काउंट में मिला है काफ़ी हद तक के, मतलब ये वैसे जो है वो 700 का मिल रहा था, लेकिन ये मुझे मिला है कोई 300-400 का, तो इसीलिए जो है इसकी एक यहाँ पे, यहाँ कुछ था वो है ही नहीं यहाँ पर, पता नहीं यहाँ पर क्या चीज़ मिस है। इसको यहाँ से मैंने खोला, खोलने के बाद अब ये तोशीबा का सेल सही, और ये घूम गया, कहाँ से चल रहा है, ये रहना इसका एक बटन, घूमता हुआ तो दिख नहीं रहा, घूमता हुआ क्या नहीं दिख रहा, आवाज नहीं आ रही इसके अंदर से तुम्हें। चलो अब इसको तुम्हारे मुंह पे अप्लाई करते हैं। ओह माय गॉड, कुछ हो रहा है, वाओ एक साइड के तो हो गए, रुको अब दूसरी साइड के मैं खुद, अरे मुझे करने तो दो पहले, इधर रखो, क्यों भाग रही हो पीछे, तुमसे इतना सा नहीं हो रहा, कौन सा पेन वो हो रहा है, तुम पेन हो रहा है क्या, नहीं तो फिर गर्दन में हो रहा है, चमाट आएगा ना मुंह पर, बस यार मैंने इसको देख सकती हूं, अभी नखरे मत करो, करने दे, को भी एक साइड करने दे, तू देख, हाँ करने दूंगी करो हाँ ऐसे कर लो, चलो हाँ तू अपनी गर्दन को उधर ले जा, हाँ नहीं तो अजीब पता नहीं किस बात के तब हो रहा है, हो तो रहा है ब्रो, पेन वेन तो नहीं है ना बिल्कुल भी, इसको दिखाओ जरा क्या है, हुए तो है लेकिन तुम सही से ही नहीं कर रही मुंह, कुमार आईब्रोज उड़ा दू, आईब्रोज एक दफा अच्छा करने तो करूंगी खुद,
दो मिनट ना, मतलब पहले तुम बताओ तो, तुम्हें लगा रिजल्ट एक तरफ का? मतलब मुझे तो फील हुआ हाँ हुए हैं भाई, जाहिर है खरीदे तो होंगे नहीं क्या ये रिमूव हुए हैं, है ना, हुए ना। अब एक साइड को तुम खुद करो। बहुत 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 अच्छा टूल है भाई ये, बहुत जो कुछ हुए बड़ा मज़ेदार सा है। आपको ना थ्रेड की टेंशन, ना किसी के पास जाने की टेंशन, अपनी मर्जी से बनाओ, बिल्कुल पेनलेस, बिल्कुल सब कुछ फिट, बहुत अच्छा। ले ये मैंने लेकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है। कर रही है अपने एक ऐसा टूल मंगवाएंगे जिससे दाने का मुंह थोड़ा छोटा लगे। सही से करो एक ही जगह पे इसको, इस तरफ तुम्हारे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। हाँ ऊपर भाई, पूरे फेस पे क्यों कर रही हो? हुए है ना? अच्छा है ना ये? गुड। चाय और चाय के साथ ये बिस्किट और ये फ्रायो मैंने मंगवाया दूसरा वाला था, लेकिन अंकल ने कहा कि ये इसकी पैकेजिंग चेंज हुई है और 10 रुपये का है। मतलब इतना छोटू सा, देखते हैं अंदर से कैसा होता है ये, इतना छोटू सा फ्रायो 4G, फ्रायो 4G में भी दस्तयाब है। तालियां तालियां। अंदर से बिल्कुल ऐसे फ्राइम्स जैसे हैं बिल्कुल। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होता है भाई। दिखने में तो है वैसे हैं जैसे अम्मी दाल चावल के साथ तलती हैं। फ्राई से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। खाओ, फ्राई से तो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। फ्राई का टेस्ट बहुत मज़े का अलग सा हो जाता है, ये बिल्कुल अलग टेस्ट है। अच्छा है, बेकार, बहुत बहुत सॉल्टी। मेरे इस रात का खाना कबूली विद ये मज़ेदार सी चटनी जो कि मैंने बनाई है। राइन कैसी बनी है चटनी? नंबर। अभी बताऊं मैं कैसी टपोरन छपरी, बिल्कुल मेरी बहन छपरी है भाई। मैं आज ऐलान करने जाती हूँ मेरी बहन छपरी है, फौरन अपनी टोपी दानिया पे डाल दी छपरी। हाँ बर्गर दानिया बर्गर जी। तो इसी के साथ करते हैं हम आज के अपने व्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग आज का व्लॉग कैसा लगा, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से एक और नए व्लॉग में, जिससे के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।